सो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिस्टर इन्वेस्टर में। तो आज का हमारा स्टडी टॉपिक है ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न टू कैंडल से फॉर्म होता है और इन दोनों कैंडल का हाई लगभग सेम होता है और इन दोनों कैंडल में भी प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में होनी चाहिए एंड इन दोनों कैंडल के बीच में भी कुछ कैंडल्स फॉर्म हो सकती है, वो ज्यादा मैटर नहीं करती है। और अगर ये पैटर्न एक स्ट्रांग अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है तभी ये परफेक्ट वर्क करेगा। अगर ये अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस लेवल पर फॉर्म होगा तो हमें ये बताता है कि प्राइस पर अभी सेलर्स का कंट्रोल है, जिसके कारण डाउन ट्रेंड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए अभी इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी को समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर स्ट्रांग अप ट्रेंड में प्राइस पर पूरी तरीके से बायर्स का कंट्रोल था, लेकिन यहाँ पर पैटर्न के फॉर्मेशन के दौरान बायर्स प्राइस को अपसाइड लेकर जाते हैं, लेकिन कैंडल के क्लोजिंग के टाइम पर सेलर्स एक्टिवेट होते हैं और वो प्राइस को डाउनसाइड लेकर आ जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर कुछ इस टाइप की कैंडल फॉर्म होती है एंड सेम सेकंड कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान भी होता है। बायर्स प्राइस को पहले वाले हाई पॉइंट के पास लेकर जाते हैं, लेकिन फिर से सेलिंग प्रेशर आने के कारण प्राइस डाउनसाइड आ जाती है और वहाँ पर कुछ इस टाइप की कैंडल फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पर टू टॉप प्राइस बन जाती है, इसलिए इसे ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। तो इस तरीके से स्ट्रांग अप ट्रेंड में प्राइस पर सेलर्स अपना कंट्रोल कर लेते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर सिग्नल मिलता है कि प्राइस अभी डाउनसाइड जा सकती है, क्योंकि ऊपर सेम प्राइस पर दो बार रिजेक्शन देखने को मिला है। इसलिए इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए हमें एक रेड कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे। रेड कैंडल पर हमारी एंट्री होगी और पैटर्न के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस प्लेस होगा। तो दोस्तों, अगर पैटर्न समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।